रिमोट ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं दसवीं पास के लिए आर्मी में भर्ती होने का मौका बताने वाला हूँ। सुनहरा मौका है। जबलपुर का एक रेजिमेंटल सेंटर है, इसका नाम है ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर, जो जबलपुर में है। ये भर्ती यहाँ से निकाली गई है। भर्ती पूरा नोटिफिकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थोड़ा शॉर्ट में मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर कुक, नाई, रेंज, चौकीदार जैसे पदों पर 14 भर्तियाँ की जाएंगी। इच्छुक योग्य उम्मीदवार सेना के आधिकारिक वेबसाइट indianarmy.nic के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है आपको? जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ये ऑफलाइन भर्ती है। आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ अंतिम तिथि से पहले सीलबंद लिफाफे में कमांडेंट ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर MP पिन कोड है 482001 पर भेज देना है। और इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी आखिरी तारीख जो है 1 मई 2022 है, यानी विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर लिखा हुआ है। आयु सीमा जो है 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 3 साल की छूट जो दी जाएगी ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, 5 साल की छूट दी जाएगी और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल की। शैक्षणिक योग्यता इसमें टेलर के पद पर यदि आवेदन करने वाले उम्मीदवार हैं तो उनको मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दर्जी के रूप में ITI पास प्रमाण पत्र चाहिए, यानी ITI भी होना चाहिए। टेलर बन सकते हैं। खाना बनाने वाला एक पद है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ 10वीं पास होंगे तो आप खाना बना सकते हैं। रेंज चौकीदार के पद पर यदि आवेदन करना है आपको तो मान्यता प्राप्त 10वीं बोर्ड पास होना चाहिए। इसके अलावा 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए चौकीदारी करने का। नाई के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए तथा नाई ट्रेड के 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी नाई का आपका काम आना होना चाहिए। सफाई वाला के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा 1 साल का काम करने का अनुभव होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया इसमें जो है तो क्या है, योग्य आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्फ्रिएशन के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में क्वालिफाइड होने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब पूरा विज्ञापन यदि आपको पढ़ना है तो आप e4u.in पर जा सकते हैं और या कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वैसे लिख दिया हूँ, e4u.in पर विजिट करें। और यदि ये वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और यदि वीडियो में कोई कमी हो और या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछें। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।